प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की एक जनसभा में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि एक देश में दो कानून से भारत एकजुट होकर नहीं चल सकता है, और पीएम के इसी बयान से अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक को संसद के पटल पर रख सकती है। और इसी कड़ी में लॉ कमीशन ने लोगों से यूसीसी पर राय मांगी है, और अब न्यूज 18 ने यूसीसी को लेकर देश का सबसे बड़ा सर्वे किया है। न्यूज 18 ने देश के 25 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में ये सर्वे किया है। इस सर्वे में 8,035 मुस्लिम महिलाओं ने अपनी राय रखी है। ये सर्वे 4 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2023 के बीच किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये सर्वे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस सर्वे में 25 से 34 साल की आयु की 2,647 महिलाओं यानी 32.9%, 35 से 44 साल की 2,139 यानी 26.6%, 18 से 24 साल की 1,509 यानी 18.8%, 45 से 54 साल की 1,159 यानी 14.4%, 55 से 64 साल की 432 यानी 5.4%, और 65 साल से ऊपर की 149 यानी 1.9% महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 70.3% शादीशुदा थी, जबकि 24.1% महिलाएं अविवाहित थी। इसके अलावा 2.9% महिलाएं तलाकशुदा थी और 2.7% महिलाएं विधवा थी। और बड़ी बात यह है कि इसमें 5,873 सुन्नी महिलाएं यानी 73.1% थी, जबकि 1,065 यानी 13.3% महिलाएं शिया और 1,097 यानी 13.6% महिलाएं अन्य थी। अगर इन महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो 27% महिलाएं ग्रेजुएट थी और 20.8% महिलाएं 12वीं पास थी, जबकि 13.8% महिलाएं 10वीं पास थी, और 5वीं से 10वीं के बीच 12.9% और 10.8% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट थी। अब आते हैं इस सर्वे के मेन पॉइंट पर। तो आपको बता दें कि इन महिलाओं से कई सवाल पूछे गए। इनमें से पहला सवाल था कि क्या आप घरेलू मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार के लिए एक समान कानून का समर्थन करती हैं? 67.2% महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 25.4% महिलाओं ने ना में जवाब दिया। 7.4% महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दूसरा सवाल, क्या मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार होना चाहिए? 76.5% महिलाओं ने इसका जवाब ना में दिया, जबकि 17.4% यानी 1,400 महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, और 6.1% ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद तीसरा सवाल था कि क्या महिलाओं और पुरुषों को उत्तराधिकार और विरासत में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए? 82.3% महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 11.1% महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने इसका जवाब ना में दिया, जबकि 6.6% महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनसे चौथा सवाल पूछा गया कि क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी बंदिश के दोबारा शादी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो 73.7% महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 18% मुस्लिम महिलाओं ने इसका जवाब ना में दिया। वहीं 8.3% महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पांचवा सवाल ये था कि बिना धर्म के आधार पर क्या बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए? 64.9% ऐसी मुस्लिम महिलाएं थीं जिन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 22.9% ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इसका जवाब ना में दिया, और वहीं 12% महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद छठा सवाल पूछा गया कि क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार वसीयत करने का अधिकार मिलना चाहिए? इस सवाल के जवाब में 69.3% महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 16.6% महिलाओं ने इसका जवाब ना में दिया, और 14.1% ऐसी महिलाएं थीं
जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया। इसके जवाब में 78.7% मुस्लिम महिलाओं ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 16.6% महिलाओं ने इसका जवाब ना में दिया। लेकिन 4.7% ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।